हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच इतिहास का एक रिवीजन सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मध्यकालीन भारत को हम टोटल देखेंगे और ये मेरा वीडियो एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको तीन पार्ट में मध्यकालीन भारत को कवर कराने का। इसके पहले हम प्राचीन भारत को दो वीडियो में समाहित किया हूँ, अगर आप उसे बार बार देखें उसमें लगभग प्राचीन भारत में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हो। इस तरह से उसी तरह से सेम हम मध्यकालीन भारत में भी टोटल क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, इसमें हम देखेंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तंजावुर के विशाल शिव मंदिर को किसने बनाया? तंजावुर के विशाल शिव मंदिर को किसने बनाया? तो राजराजा चोल ने बनाया। चलिए इसको थोड़ा सा हम अपने पेंसिल को कलर चेंज कर दें। ओ बस, चलिए क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि सिंध पर तंजावर के विशाल शिव मंदिर को किसने निर्माण कराया? तो राजराज चोल ने कराया। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। जिसने सिंध पर विजय प्राप्त किए, तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त किए। किस पल्लव शासक ने शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। चलिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में हराया, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। सेम क्वेश्चन है दोनों। चलिए इसके बाद हम देखेंगे शंकराचार्य ने कहा था ज्ञान ही मुक्ति का प्राथमिक मार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। चलिए, महाबलीपुरम के मंदिरों का संबंध है, तो पल्लव वंश से संबंधित है महाबलीपुरम के मंदिर। जितने भी हैं महाबलीपुरम में मंदिर, सब पल्लव काल में बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, तो पल्लव वंश के द्वारा महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। महाबलेश्वर पल्लव वंश, याद रखें। बंगाल के पाल शासक का संस्थापक था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राजपूत राजा जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया, तो बघेल भीम नाम था जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था, याद रखें। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने कराया एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और भारत में आया था, कब आया था? तो 712 ईस्वी में आया था। पांडे वंश की राजधानी मदुरई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए, तो धर्मपाल। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अलबेरूनी इतिहासकार था, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबेरूनी एक इतिहासकार था। राजपूत राजा जिसके 80 घाव और एक आँख थी, उसका क्या नाम था? तो राणा संगा। 80 घाव और एक आँख थी। चलिए, राणा संगा के कहा जाता है कि 80 घाव और एक आँख थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? चालुक्य के बाद काकतीय वंश आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सात पगोड़ा के नाम से जाने जाने वाला मंदिर कौन है? तो सॉरी कौन नहीं है, तो सात पगोड़ा के नाम से जाने वाले मंदिर का नाम बताइए। तो पल्लव द्वारा बनाया गया था। नाम किसने बनवाया था? तो पल्लव द्वारा बनवाया गया था। ग्रामीण स्वायत्तता विशिष्टता थी, चोल शासनकाल की विशिष्टता थी। चोल शासनकाल में सबसे अधिक ग्रामीण स्वायत्तता देखने को मिली। राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था, तो तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था। पल्लव राज्य की राजधानी थी, तो कांचीपुरम थी। पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी, कांचीपुरम। महाबलीपुरम के शहर की स्थापना और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किया। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना और वहाँ के कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राज तरंगिणी में कलहण ने वर्णन किया है। तो राज तरंगिणी एक पुस्तक है, इसमें कलहण ने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। राज तरंगिणी में कलहण ने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार पालों का संबंध है त्रिदेशीय संग्राम। राष्ट्रकूट प्रतिहार पालों का संबंध है त्रिदेशीय संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद जो कि भारत के नाम से जानते हैं, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, तो अरबों के द्वारा। अरबों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले अरबों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो कांचीपुरम में स्थित है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान है, तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान है। चालुक्यों की राजधानी थी, तो बादामी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बादामी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य वंदना दोहा कोसा ब्रज छेदिका और बामसाथ पाक्सिनी में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो बामसाथ पाकिनी बौद्ध धर्म का सबसे बाद वाला ग्रंथ है। केशव मंदिर होयसल स्मारक कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। होयसल स्मारक जिसे बोलते हैं, केशव का मंदिर भी इसको कहिए, कर्नाटक में स्थित है। मालाबार मदुरई एवं तंजौर में किस शासक ने प्रमुख केंद्र गढ़ाए थे? तो पांड्य वंश ने मालाबार मदुरई और तंजौर में अपना उन लोगों का प्रमुख केंद्र था। चोल राजा किसे गंगई कोड कहा जाता है? चोल राजा, तो राजेंद्र चोल को गंगई कोड कहा जाता है। तो हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल राजवंश था, जो साउथ इंडियन था, जो नौसेना के लिए बहुत प्रसिद्ध था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो देवपाल। राजेंद्र चोल ने जब बंगाल का अभियान किया उस समय बंगाल का शासक देवपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो कांची के पल्लव को समाप्त करके अपना साम्राज्य विस्तार किया। कर्पूर मंजूरी का लेखक राजशेखर किस शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो महेंद्रपाल के शासक के दरबार को सुशोभित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, वस्तुशास्त्र की किस रचना में विविध प्रकार की नावों के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो सम्रांगण सूत्रधार। वस्तुशास्त्र के किस रचना में विविध प्रकार के नावों के निर्माण का सम्रांगण सूत्रधार। चोल प्रशासन में पंडिका वलकुली से तात्पर्य क्या है? तो पंडिका वलकुली से तात्पर्य तालाबों के रख रखाव की निमित्त दिया जाने वाला कर। तालाबों के रख रखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर याद रखें। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि चोल शासकों के काल में कौन
उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। उद्यान प्रशासन का तो पान वर्यम जो था चोल काल में, वह उद्यान जो गार्डन वगैरह होता था इस सब का कार्य देखता था। चलिए, किस शासन ने वर्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया है? तो बृहस्पति किस लेखक ने वर्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपण किया है? बृहस्पति। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण क्या था? तो वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, वह जनता के द्वारा चुना गया था, न कि अनुवंशिक आधार पर निर्वाचित था। पाल वंश का शासक जो था गोपाल, वह जनता के द्वारा चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्रायः अष्टभुज है। 9 नंबर में चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो बेगी के चालुक्य चोलों द्वारा उनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध शुरू किया गया। बेगी के चालुक्य वह चोल शासक कौन था जिसकी हत्या विरोधी भीड़ द्वारा दी गई? तो अधिराजेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो नागभट्ट ने की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट के द्वारा किया गया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज्य कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में यानी साउथ इंडियन में। खुजराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? तो कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। चलिए नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। खुजराहों के मंदिर संबंधित है, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है? तो ये सब जितने हैं स्कूल सब चित्रकला के कला को प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर अभी भी है उसका निर्माण करवाया था, नरसिंह देव प्रथम। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू बौद्ध और जैनों से है। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू बौद्ध और जैनों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वंश के शासक अपने शासन में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के शासक जो होते थे वो अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। चोल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था, तो सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया था। खुजराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल शासक खुजराहो के स्थापना में सहयोगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट शासक ने परमेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने परमेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अरब सागर में भारतीय सेना की प्रधानता स्थापित की हुई थी। तो राजराज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय सेना की प्रधानता स्थापना की थी। राजराज प्रथम द्वारा चेरो पांडव एवं श्रीलंका को पराजित किया गया। किसके पीछे मुख्य आर्थिक लक्ष्य था? तो इसका लक्ष्य था बहुत बड़ा है, इसको देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन की ओर ले जाने वाली सामुद्रिक मार्गों को मुक्त करना इसका मेन लक्ष्य यही था। दक्षिण पूर्व में एशियाई देशों के साथ जितने भी व्यापार हो रहे थे सबको अपने नियंत्रण में रखा जाता था और चीन की ओर जाने वाली सामुदायिक मार्गों को मुक्त रखना इसका मेन लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी कौन थे? तो कनौज के प्रतिहार थे इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों प्रतिद्वंदी शक्तियों यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का पतन लगभग एक साथ ही हुआ, उसका कारण यही था तीनों की शक्ति लगभग समान थी इसलिए तीनों का पतन एक ही साथ हुआ।
पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पाल शासक धर्मपाल किसका पुत्र था? तो धर्मपाल गोपाल का पुत्र था। जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कौन? तो जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आभीर राजवंश का संस्थापक था? तो ईश्वर सेन आभीर राजवंश का संस्थापक था। 712 ईस्वी में अरबों द्वारा विजित प्रथम भारतीय नगर कौन था? अरब द्वारा विजयी किया गया प्रथम भारतीय नगर था देवल, था देवल, देवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 8वीं सदी के शुरू में जिसने जोरास्ट्रियनों को शरण दी जो पारसियों से समुद्र द्वारा भागकर तटीय रास्ते से पश्चिम पहुंच गए, तो कौन थे? तो राष्ट्रकूटों ने थे। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ? तो मालाबार तट एवं अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, मालाबार तट और अरब व्यापारियों के आगमन के बाद भारत को इस्लामिक देशों से या इस्लामिक लोगों से संपर्क हुआ, मालाबार तट एवं व्यापारियों के आगमन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पूर्वी गंगा के द्वारा करवाया गया। कोणार्क का जो मंदिर है वह पूर्वी गंगा के द्वारा बनवाया गया। अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया? अरब यात्री जो था सुलेमान, वह देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, देवपाल को। प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत में किसने वातापी कोंदा की उपाधि धारण की हुई थी? तो नरसिम्हा वर्मन ने वातापी कोंदा की उपाधि धारण कर रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, प्रसिद्ध शैलोत्कीर्ण जिसको हम कहते हैं पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में। उसके बाद देखेंगे, छठवीं से आठवीं सदी में किनके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? तो पल्लव और चालुक्य जो शासन थे उनके द्वारा छठवीं से लेकर आठवीं शताब्दी तक सबसे ज़्यादा मंदिर के निर्माण को देखा गया। हेलीबीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया? हेलीबीड में होसल के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया, होसल शासकों के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस गुफा में त्रिमूर्ति जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं के मुख मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में। भारत में जिहाद एवं बुतसिकन शब्द सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है? तो महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ है। जिहाद सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत में जिहादी नाम का रुतवैया अपनाया था, इसलिए जिहाद शब्द और बुतसिकन शब्द इससे जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ? तो सोमनाथ जो मंदिर है उस पर आक्रमण कब हुआ तो इसको देखेंगे, सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था? तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किस काल में राजा जमीन का मालिक नहीं माना जाता था लेकिन जमीन पर कर लेता था? तो राजपूत काल में ऐसा देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ विमान शैली। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो मक्का में हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म की स्थापना सातवीं शताब्दी में हुई। पंजाब के हिंदू शाही राजवंशों को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंशों को महीपाल ने स्थापित किया। कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया? तो अलबेरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात उत्तर भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम उन्हें शुरू करवाया? तो प्रतिहार महेंद्र पाल ने शुरू करवाया। मोहम्मद बिन कासिम था, तो अरब था, एक अरब का शासक था, अरब भी था मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1008 से 1009 में बैहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच बैहिंद का युद्ध लड़ा गया, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान किस राजवंश का संबंधी था? तो तोमर राजवंश का संबंधी था पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लेखकों में किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? तो अलबेरूनी जो था, जो मुस्लिम लेखक था, उसको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। देखिए मुस्लिम होकर भी संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखने वाला वो पक्का मुसलमान था अलबेरूनी। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? तो धंग को कहते हैं, धंग। चलिए चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो सैव धर्म को संरक्षण दिया, चोल राजाओं ने सैव धर्म को संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलबेरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस वेल्हा जो गोवा में स्थित है, वहीं पर सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के पार्थिव शरीर को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, खुजराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? था चंदेल राजपूतों ने खुजराहो का मंदिरों का निर्माण कराया। उसके बाद चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया, राणा कुंभा ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम्पी तिरुवनमलय चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने रायगोपुर का निर्माण कौन करता था? तो राय कृष्ण देव राय करता था। हम्पी में तिरुवनमल और चिदम्बरम जो था कृष्णदेव राय के अधीन था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खुजराहो के मंदिर, अंकुरवाट और नोत्रे देम द पेरिस जैसे वस्तुशिल्प के चमत्कारों में किसका निर्माण ईसा की 12वीं सदी में नहीं हुआ? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ईसा की 12वीं सदी में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर किस स्थान पर है? तो एलोरा में है। रणथंभौर क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग है। चलिए, राजकुमार एलोरा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? तो चोल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो चालुक्यों ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो पाल युग से संबंधित थे। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो दक्षिण में स्थापित किया। चालुक्य ने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया था। किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व जितना एशिया है सबको जीत लिया चोल ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंती दुर्ग जिसे दंती दुर्ग कहते हैं, डंडी दुर्ग जिसे दंती दुर्ग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धरती पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए अरब। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? भोपाल की स्थापना राजा भोज ने किया था। भोपाल की स्थापना भस्य भोज और भस्य भोजा। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर जो थी तो चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो बघेल भीम ने मोहम्मद गोरी को प्रथम बार हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल राजा ने लंका, जिसे सिंघल बोला जाता था, को पहले जीता? तो राजराज प्रथम ने लंका को सबसे पहले जीता था। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो शिव देवी देवताओं को समर्पित है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो राजेंद्र चोल था गंगा को उत्तर से दक्षिण तक ले गया था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तरा मेरूर में मिलता है चोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तो तमिलनाडु। अलवार संतों का आविर्भाव यानी सबसे पहले उनका आगमन तमिलनाडु से हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा संधि की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा संधि की विजय हुई थी। उत्तरा मरेरू शिलालेख के किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल प्रशासन से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चार मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता था? मलिक काफुर को अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति एवं युग का रुस्तम कहा जाता था, मलिक काफुर। उस राजा का नाम बताइए जिसने अपने दरबार में किसी के हंसने की अनुमति नहीं दी हुई थी। तो बलबन एक ऐसा राजा था जिसने अपने ही दरबार में किसी भी व्यक्ति को हंसने की अनुमति नहीं दी हुई थी, बलबन, याद रखें। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पारसियों का मशहूर पर्व नवरोज की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने नवरोज की शुरुआत कर रखी थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दागना पद्धति, घोड़ों को दागा जाता था। और चेहरा यानी सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी वंश से तत्काल पहले और बाद शासन किया था? तो गुलाम वंश और तुगलक वंश खिलजी वंश के तत्काल पहले और दूसरे में, पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ऐसे क्रम है इन लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिकंदर, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्यों से हुआ था? तो तमिलनाडु आधुनिक राज्यों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कृष्णदेव राय संबंधित हैं? तो तेलुगु साहित्य से संबंधित हैं। बड़े पत्थर के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकार देखे जा सकते हैं, तो तुगलक वंश में देखे जा सकते हैं। शुद्ध मेहराब देखे जाते हैं, तो गुलाम वंश में शुद्ध मेहराब देखे जाते हैं। दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें पाई जाती है, तो लोधी वंश में पाई जाती है। दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें कहाँ पाई जाती है? तो लोधी वंश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे,
वेद के रीतियों का भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किसने किया? तो रामानंद ने किया। रामानंद ने वेद के रीतियों को भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? था वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। मोरक्को यात्री इबन बबूता भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इबन बतूता आया था, मोरक्को का यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम शासिका, अंतिम महिला शासिका थी तो रजिया बेगम जो थी दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। चलिए अजमेर में दरगाह है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और अस्थाई सेना का निर्माण कराया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी तो रामानुज ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, रामानुज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। राजवंश का सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, उसके बाद लोदी वंश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा प्रचलित की गई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा प्रचलित की गई थी। कोतवाल था तो कोतवाल एक रक्षक था। तिथि क्रम को सजाएं तो सबसे पहले कबीर को देखा जाता है, उसके बाद गुरु नानक जी को देखा जाता है, उसके बाद नामदेव को देखा जाता है, उसके बाद मीराबाई को देखा जाता है। कबीर गुरु नानक कबीर उसके बाद गुरु नानक उसके बाद नामदेव उसके बाद मीराबाई को देखा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाया तो दक्षिण भारत से सबसे पहले साउथ इंडियन से नॉर्थ इंडियन में रामानंद ने भक्ति आंदोलन लाया। चलिए मुस्लिम शासकों में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए तो इल्तुतमिश जो था तो मुस्लिम शासक था, उसने प्रथम सोना का सिक्का जारी किया। पागल बादशाह कहा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित चार मीनार अवस्थित है तो चार मीनार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहमनी राज्य का अंतिम शासक था तो कलीमुल्लाह था। विजयनगर साम्राज्य के पुरावेश पाए जाते हैं तो हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर कला के उदाहरण पाए जाते हैं तो हम्पी में। खिलजी तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज संबंधित है, कृष्णदेव राय के दरबार से अष्टदिग्गज संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक की वह व्यवस्था जो तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक सिद्ध हुई तो जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना फिरोज शाह तुगलक की व्यवस्था को जो तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित हुई। तालीकोटा के युद्ध के फलस्वरूप साम्राज्य जो पूरी तरह समाप्त हो गया तो विजयनगर जो था तालीकोटा के युद्ध के बीच समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुल्तान जिसने नहर सिंचाई व्यवस्था शुरू की तो फिरोज शाह तुगलक नहर सिंचाई व्यवस्था शुरू की। कुतुबद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ। हम्पी था तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। शासक जो गुलाम वंश से संबंधित है, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार समर्पित किया तो कुतुबद्दीन बख्तियार काकी को कुतुब मीनार समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दौलताबाद हस्तांतरित करने का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्यों की राजधानी सामरिक दृष्टि से अच्छी होने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद को हस्तांतरित कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार को बनाया तो चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनाया।
कुलु कुतुब शाह ने बनवाया। द्वार समुद्र राजधानी थी, तो होशल की राजधानी, तो होशल की राजधानी द्वार समुद्र थी। नुनीज पुर्तगाली यात्री किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत देव राय के शासनकाल में नुनीज पुर्तगाली यात्री आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना की थी, तो बहलोल लोदी ने भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना की थी। सूफी संप्रदाय कौन से धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ सूफी संप्रदाय। मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सेना को सुव्यवस्थित करना। मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य यही था कि सेना को सुव्यवस्थित करना। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कब की थी? तो 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। रजिया बेगम शासक थी, तो रजिया बेगम गुलाम वंश के शासक थे। गुलाम वंश के शासक रजिया बेगम थे। प्रख्यात चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1168 से 1192 ईस्वी में अफगान शासक सुल्तान को हराया। तो 1191 दोस्तों अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कोरोना वायरस को लेकर, थोड़ा देर मैं रुकूंगा। चलिए प्रचार खत्म हुआ। अब देखें, चूँकि देश बहुत ही संकट की स्थिति से गुजर रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कितना गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामानुज ने की थी। ये तो हम देख लिए थे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। प्रख्यात चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1168 से 1192 तक उसका काल माना जाता है, ने अफगान शासक सुल्तान को हराया था। तो 1191 ईस्वी में सुल्तान को हराया था। गुलाम वंश का समय था, तो गुलाम वंश का समय 1206 से 1290 ईस्वी तक था। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। चलिए उसके बाद है, मुस्लिम शासक जिसने सबसे पहले मूल नियंत्रण लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। खिलजी वंश का शासनकाल था, तो 1290 से 1320। उसके बाद आते हैं सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में पड़ता है, की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी की स्थापना की थी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। एकता की परिभाषा सियासतनामा नामक पुस्तक में मिलती है। इसका रचयिता कौन है? तो निजामुल मुल्क है। सुल्तान काल में जरीब क्या था? तो भूमि को नापने की एक पद्धति थी जरीब, अभी भी जरीब चलता है भूमि नापने में। सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था, तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। सुल्तान काल में जवाबित क्या था? तो जवाबित राज्य के कानून को जवाबित बोला जाता था। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के मानते थे। गंगों की प्रथम राजधानी थी, तो कोलर थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया? तो इल्तुतमिश के शासन में मंगोलों ने हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। सत्ता के प्रभाव को अपने ऊपर हावी होने देने को लेकर रोमन सम्राट अगस्तस के समान वह समाधान रहता है और स्वयं को और कुछ नहीं बस दूसरों के समान होने का दावा करता है, यह कथन संबंधित है? तो जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित है।
यानी सत्ता के प्रभाव को अपने ऊपर हावी होने देने से लेकर के स्वयं को कुछ नहीं बस दूसरों के सम्मान होने का दावा करता, यह जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था तो रामचंद्र देव था। आगरा शहर की स्थापना किसने की तो सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी ट्रांसफर को आदेश दिया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है तो 288 फीट। दिल्ली सुल्तान के वंशों का सही क्रम है तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे तो इसके दरबार में महान 8 महान मंत्री थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज का मतलब होता था कि 8 महान मंत्री थे। मध्यकालीन भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासक का नाम बताइए जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा था। फरमानाओ नुनिज लाहौर में गजनवी वंश का शासक था तो खुसरो मलिक था। कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था तो दीवाने मुस्तखाज। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि की जाएगी तो ग्यासुद्दीन तुगलक। किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदन उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया तो रजिया सुल्तान ने। किस सुल्तान के शासन ने प्रशासन में स्वयं घुसखोरी को प्रोत्साहित किया था तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ए सांदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मध्यकालीन भारत में पतन पट्टम नामक कर किस समुदाय से लिया जाता था तो सुनार से लिया जाता था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में हुआ था। किस साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन के लिए साम्राज्य को 400 प्रांतों में विभक्त किया गया था तो विजयनगर साम्राज्य को 400 प्रांतों में विभाजित किया गया था। चलिए मेरा लास्ट पेज है, इसमें कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं में किसने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रथा फिर से किसने शुरू की तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। जमायत खान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जमायत खान मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है तो ताज उल मासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिर मीनाक्षी मंदिर का अधिकांश भाग तिरुमलाई किसके समय निरूपित किया गया तो तिरुमलाई नायक के शासनकाल में निरूपित किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया उनके द्वारा किए जाने वाले भू राजस्व के रूप में दी जाने वाली वास्तविक राशि को ज्ञात करने के लिए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था तो अमीर खुसरो ने दिल्ली में 8 सुल्तानों का शासन देखा था। वह गुंबज कौन है जो संसार के विशालतम गुंबज में से एक है तो गोल गुंबज जो कि बीजापुर में से था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने सैनिकों के वेतन के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रथा बंद कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक का जो वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था उसको बंद करवा दिया। किसमें पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया तो सिकंदर लोदी के मकबरा में दो ठो गुंबद का प्रयोग किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन के बाद बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह टिप्पणी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला महान लेखक था? तो अमीर खुसरो था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी का संबंधी था। वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। आइए मुगल कालीन को स्टार्ट हो गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, यानी घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, खेल खेल रहा था। चलिए मोहम्मद गजनवी की दरबारी इतिहास कौन था? तो उत्तबी था। जैनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित की गई थी जैनपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संत जिसने 7 सुल्तानों के शासन को देखा है, ऐसा कवि जिसने 8 सुल्तानों के शासन को देखा है क्रमशः? तो 7 सुल्तानों के शासन को निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया है। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान बिल्कुल नहीं दिया। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो था। सल्तनतकालीन सिक्के जीतल, ससगनी और टक्का क्रमशः बने होते थे। तो जीतल तांबा से और ससगनी चांदी से और टक्का चांदी से बने होते थे। तांबा चांदी और चांदी से बने होते थे। चलिए नेक्स्ट है, किस विद्वान ने फारसी की सबक हिंद पद्धति को अपनाया? तो अमीर खुसरो ने। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यादा नामक पवित्र ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गोलकुंडा में हिंदू शाही राज्य की स्थापना की थी? काकतीय। किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये मध्यकालीन भारत का प्रथम पार्ट हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, और आप इसे बार बार रिवीजन करें निश्चित ही, और आने वाले 2 पार्ट में अगर वीडियो आ जाती है तो कोई भी, अगर आपके जहन में आपके मन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसे बार बार रिवीजन करें। तो फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। थैंक यू सो मच।